आज हमारे गली में एक लड़की की शादी हुई है दुविधा और शादी है दुविधा और आपको दिखाती हुई दुविधा आप देख सकते देखो पैसे ऐसे डाले जा रहे हैं वो जा रही है गाड़ी सज के ये विदा हो गई लड़की देखो दुल्हन विदा हो गई है ये उनकी बहन वहन लग रही है मेरे को जो रो रही हैं सब सिस्टर दूल्हे की भाई बहन लग रही है मेरे को जो तुम से दर्ज के डाल रही है आई थिंक फिर से रिटर्न में आएगी जा रही है देखो दुल्हन हेलो फ्रेंड्स आज मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई सुबह से क्योंकि बेचारी बीमार है भैया वो वाली मखनी दाल लाना टेस्टी थी उस दिन हाँ आज हम भैया के घर आए हुए हैं ये देखिए अरे दिख जाओ कहाँ गए यो यो हनी सिंह चाटा दिखा रहे हैं तो हम आज भैया के घर आए हुए हैं उन्होंने हमें इनवाइट करा है आज हमारे यहाँ पर दावत है एक्चुअली वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह मैंने यामी को स्कूल भेजा था उसे मैंने नहलाया फिर मैं भी नहाली साथ के साथ तो नहाने के बाद मुझे काफ़ी ठंड लग गई फिर मैं जाके लेट गई लेटने के बाद मेरे से उठा ही नहीं गया मायरा को भी उन्होंने ही नहलाया था फिर तारीफ सारे काम मैंने करे आज झाड़ू मैंने लगाई पोछा मैंने लगाया बर्तन धो करके आया हूँ अभी बर्तन धो करके आया हूँ ठीक है फिर मैंने निलाया था किसको मायरा को निलाया था तो मैं भी निला देता तुम कहते बिल्कुल आप कमेंट्स में बताना कैसा होना चाहिए बोलेंगे हम ही आ जाते हैं निलाने के लिए तो फिर मेरा कुछ करने का मन भी नहीं था मैं लेटी रही फिर आज भाभी हमारे घर आई थी भाभी हमें फिर अपने घर लेकर आ गई हम साथ के साथ बदला पूरा कर लेते हैं भाभी मेरे आई फिर मैं भाभी अकेली आई थी मैं चार को लेकर आई हूँ है भाभी भाभी आई थी हम भाभी को छोड़ने आए हैं भाभी हमें छोड़ने फिर भाभी हमें छोड़ने जाएंगी फिर बस यही चलता रहेगा हम एक दूसरे को छोड़ते रहेंगे फिर बस हम अभी यहाँ पर आए हैं देखिए यहाँ पे काफी सारी तैयारी चल रही है खाने पीने की तो देखिए सारी तैयारी कर चुका है भैया बाहर से खाना मंगा रहे हैं मखनी दाल पिछली बार आई थी मैं तो मखनी दाल लो यामी को भी देखो ये फौज में जाने वाली है मखनी दाल मंगाई थी बहुत टेस्टी मखनी दाल थी तो भैया तो कड़ी वड़ी मंगाने को कह रहे थे मैं कहा नहीं भैया कड़ी मत मंगाओ मखनी दाल तो बहुत टेस्टी थी तो हमने मखनी दाल और नान खाई थी बहुत टेस्टी थी कल बच्चों की छुट्टी भी आराम से जाएंगे घर अपने बात बात करेंगे भैया से काफ़ी टाइम बाद मिले हैं क्यों तुम प्रेगनेंट हो देखो ये लेडीज हर जगह से निकलेगी इसे चटपटा चाहिए चटाई बिछा के पिटाई कर दो थोड़ी सी जाने चटपटी हो जाएगी चट में चट पड़ेंगे तो अंजू भैया वो सो रहा मोमो सुनाएगा और स्प्रिंग रोल भी मंगा लेना फिर इसके YouTube चैनल के ऊपर सच में ऐसी मतलब क्या नजर लगी है बेचारे ने पहले बनाया तो पहले तो इसका अकाउंट बंद अरे यार एक मिनट दोबारा बनाया तू कर अपनी बात भाई हम भी अपनी बात कर रहे हैं हमारा भी ब्लॉग चल रही है यहाँ पे तो फिर आज हम भैया के आ गए हैं मैं खाना वाना नहीं बना कर रही फिर क्या हुआ दूसरी बार माला हुआ मैंने शायद बनाया आलू मटर तो फिर अब आज हम यहाँ पे भाभी के साथ मजे करेंगे एंजॉय करेंगे खाना खाएंगे बातें करेंगे बहुत सारी तो है भाई भी भैया आपके घर सीता भी आती है हमें बुला लेते दर्शन करने के लिए तो अभी आए हैं देखो कब तक फ्री होते हैं मैं आपको बीच बीच में दिखाऊंगी कितना सारा सामान मंगाएंगे खाने का मैं आपको दिखाऊंगी बीच बीच में ये हमारी बहुत सेवा करते हैं हम नहीं कर पाते इनकी सेवा इतनी ही क्योंकि हमारे आते ही नहीं है ठीक है बाकी मैं आपको दिखाती रहूंगी बार बार क्या क्या आ रहा है खाने को क्या क्या नहीं आ रहा तो फ्रेंड बस हम अभी अभी आए हैं घर
जस्ट बस कपड़े चेंज करे हैं मैंने और बच्चों ने और इन्होंने, तो हमने वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करा। हम आज जल्दी आ गए नहीं तो हमें क्या टाइम हो रहा है, 1:45 हो रहा है ना, तो 1:45 या 2:30 बजते में उनके वहाँ से आने में। हम इतना इंजॉय करते हैं वहाँ पे, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, बातें करते हैं काफ़ी सारी, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे। मतलब वहाँ जाने के बाद आने का मन नहीं करता घर पे। पर आज भैया की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो वो भी, उन्हें नींद आ रही थी तो हमें इसलिए जल्दी आना पड़ा। बाकी नेक्स्ट वीक या मंथ देखते हैं, अब हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो एनिवर्सरी पे देखेंगे, उन्हें बुलाएंगे 1 जनवरी को, फिर वो आएंगे, फिर हम काफ़ी इंजॉय करेंगे कहीं बाहर जाके। बस सब अच्छा चलता रहे, बस अब सोने की तैयारी हो रही है। हमारी दीदी वहाँ नेल्स काट रहे बच्चों के, अब हम सोएंगे। ठीक है फ्रेंड, ओके, गुड नाइट, बाय। मेरी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, थैंक यू।